हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आंवले का मुरब्बा रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप फटाफट से आंवले का मुरब्बा बना सकती हैं। एकदम गुलाब जामुन जैसा रसीला मुरब्बा बनकर के रेडी होगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मुरब्बा बनकर के रेडी हुआ है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इस तरीके से आप फटाफट से आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए, हर तरफ से हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं और इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखें और एक एक आंवला आप डेली खाएं। तो यहाँ पर हमने मुरब्बा बनाने के लिए आंवला ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इस साइड में हमने पानी भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। ये बॉयल होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें सावधानीपूर्वक आंवले को डालेंगे। इसे हम बॉयल करके बनाने वाले हैं। इस तरीके से ना हाथों में दर्द भी नहीं होता है, बहुत ही आसानी से मुरब्बा हमारा बन करके तैयार हो जाता है। हम इसे कवर कर दिए हैं एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। इसे हम चला देंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है मुरब्बा बनाने का, फटाफट से बन जाता है। यहाँ पर हमने इसे चला दिया है। अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ है, एक बार हम फिर से इसे कवर कर देते हैं एक मिनट के लिए। एक मिनट हो चुका है, इसे हम चला देते हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसके पीसेस अलग हो जाएंगे, ध्यान रखना है। इसे चेक करते रहना है। एक पीस हम निकाल कर चेक कर लेते हैं, छन्नी से एक पीस हम निकालेंगे और इस तरीके का हम कांटे वाला चम्मच लेंगे। ये तो हर घर में मिल जाता है, तो इसी से हम चेक करेंगे आंवले को। थाली या प्लेट में रखेंगे, एक पीस निकाल करके इस तरीके से करके देखें कितने आसानी से इसमें होल हो जा रहा है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है, गैस को ऑफ कर देना है और तुरंत ही हमें इसे बाहर निकाल लेना है आंवले को, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएंगे और इसके पीसेस अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आंवले को बाहर निकाल लिया है। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब हम फोर्क वाले चम्मच से ही इसमें होल करेंगे घुमा फिरा कर। तो देखिए यहाँ पर हमने होल कर लिया है चारों तरफ से। इसी तरीके से सारे आंवले को होल करके रेडी कर लेना है। हल्का सा आंवला बॉयल करने के बाद ना ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इसे होल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है और ना ही इसके अंदर का रस बाहर रहता है। सारे विटामिन इसके अंदर ही रहते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है इसे उबालते समय, ये ज़्यादा ना पके नहीं तो इसके पीसेस अलग हो जाएंगे। बस इसे हमें 2 से 3 मिनट ही गर्म पानी में रखना है, उसके बाद इसे हमें निकाल लेना है। इस तरीके से आप फोर्क वाले चम्मच से होल करते जाइए और सारा होल करके रेडी कर लीजिए। इस तरीके से आप हाथ में एक एक आंवले को लेकर भी होल कर सकते हैं या फिर आप प्लेट में रख कर के भी होल कर सकते हैं, जिससे भी आपको आसान लगे आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने सारे आंवले को गूंथ कर रेडी कर लिया है। अब ये मुरब्बा बनाने के लिए रेडी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर होल हो चुका है। बहुत ही फटाफट से इस तरीके से हो जाता है। हमने पैन लिया है, पैन में हम नीचे से थोड़ा सा हम चीनी फैला देंगे, उसके बाद से आंवले को डालेंगे, उसके ऊपर से हम फिर से चीनी डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी हमें आंवले से थोड़ा ज़्यादा रखना है, जितना आपने आंवले लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही चीनी को रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर आंवला जो बचा हुआ था उसे भी डाल दिया है चीनी डालने के बाद। अब इसे कवर करेंगे। कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक करके रख दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा चीनी हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाए। आंवला के अंदर पानी होता है, चीनी उसके साथ पड़ने के बाद ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो इसे आप ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे 15 मिनट के लिए ही छोड़ा था, बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमने नहीं रखा। अब हम गैस पर रख दिए हैं और इसे मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे मेल्ट होने देंगे, चला देंगे बीच बीच में।
आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी आधा मेल्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पर इसे नहीं रखना है, नहीं तो चीनी जल जाएगी और आंवले हमारे ब्लैक हो जाएंगे, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर चीनी हमारा करीब करीब मेल्ट हो चुका है, नीचे थोड़ा सा चीनी रह गया है, बीच बीच में हम चला देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, चीनी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। चीनी मेल्ट होने के बाद गैस को मीडियम हाई कर दीजिए ताकि ये फटाफट से पक जाए। चाशनी को गाढ़ी होने तक हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। यहाँ पर हमने इसे 20 से 25 मिनट पका लिया है, चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं आंवले भी हमारे पक गए हैं और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसे हमें गाढ़ा नहीं करना है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। मुरब्बा हमारा बन करके रेडी हो गया है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो इसे आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था, हमने इसे रात में बनाया था। यहाँ पर सुबह आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम हनी जैसा इसका चाशनी बनकर के रेडी हुआ है, एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन जैसा आंवला मुरब्बा तैयार हुआ है। आप भी इस तरीके से फटाफट से आंवला मुरब्बा बना सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से चला देते हैं। आंवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप इस तरीके से बना करके साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, अभी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे 2-3 दिन बाद सर्व करें तो ज़्यादा मीठा लगेगा, अभी ये थोड़ा सा अभी इसके अंदर मिठास कम है, 2-3 दिन बाद ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर अब आप इसे अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद कांच के जार में भर कर रख लीजिए और उसे साल भर इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही रसीले आंवला मुरब्बा बनकर के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू।